ऑब्जेक्टिव शीट सेवन में क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, क्वेश्चन नंबर टू ट्राई किया, इसमें क्या ये क्वेश्चन अभी कर सकते हो, ट्राई करना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स गिवन है, अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं, आपको इसमें रिटार्डेशन निकालनी है। अब पॉइंट नंबर वन कि अगर मेरे को एक्स की वैल्यू गिवन हो, सिर्फ एक्स, तो मैं उसे डिफ्रेंशिएट करके वी निकाल लूँ और वी को डिफ्रेंशिएट करके ए निकाल लूँ, ये रूल है। तो इसके अंदर एक्स निकलेगा नहीं कॉमन, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है एक्स भी है। तो ट्रिक ये है कि आप इक्वेशन लिखें दोनों तरफ डी बाई डी टी, डी बाई डी टी करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे डी टी बाई डी टी क्या है वन, इसके डिफ्रेंसिएशन अल्फा बाहर डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा बाहर डी एक्स बाई डी टी, क्या स्टेप क्लियर है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, और इसको dx by dt, तो dx by dt क्या है v, dx by dt क्या है v, तो यहां से v एंड v पुट कर लिया, v यहां से कॉमन आ गया, ये पूरी टर्म वन के नीचे आ गई तो v की वैल्यू आ गई। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो v की वैल्यू कैसे आएगी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये v की वैल्यू आ गई, कोई डाउट, ठीक है। तो पहले आपने जब आपको समझ में ना आए कि x कैसे निकलेगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को डी बाई डी टी कर दें, तो जब पूरी की पूरी इक्वेशन को डी बाई डी टी करेंगे कहीं ना कहीं से तो डी एक्स बाई डी टी मिल ही जाएगा आपको, और डी एक्स बाई डी टी होता है क्या, वेलोसिटी वी होती है, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लें। अब आपको तो एक्सेलेरेशन निकालनी है, रिटार्डेशन निकालनी है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, एक्सेलेरेशन डी वी बाई डी टी होता है, इस पूरे वी को वी की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के साथ, क्या स्टेप क्लियर है। तो ये स्टेप आ गई यहाँ पर d बाई डी टी ऑफ ये टर्म आ गई। इसको डिफ्रेंशिएट करने के दो तरीके हैं, पहला u बाई वी का मेथड, या फिर एक और भी तरीका है, इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाएं रेज टू पावर माइनस वन, ठीक है। तो और फिर से डिफ्रेंशिएट करें, कैसे, माइनस वन इस पूरे टर्म की पावर माइनस वन यानी कि माइनस टू इन टू पावर पे हाथ रखो d बाई डी टी ऑफ ये टर्म बच जाएगी, कोई डाउट इसमें, डिफ्रेंशिएशन कर दी, ये टर्म डिनोमिनेटर में गई रेज टू पावर स्क्वायर हो गई, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म में टू अल्फा बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है वेलोसिटी वी, और बीटा कॉन्स्टेंट है जिसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है जीरो, तो इसकी जगह क्या आएगा टू अल्फा डी एक्स बाई डी टी, कोई डाउट इसमें। तो यहां से वेलोसिटी वी आ गई, ये स्टेप क्लियर है। तो इसमें इसको नीचे ले गए, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म में टू अल्फा कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स बाई डी टी, बीटा के डिफ्रेंसिएशन जीरो, अब डी एक्स बाई डी टी क्या है वेलोसिटी भी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या बनेगा वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्यूब, मार्क कर लो वेलोसिटी क्यूब वाला ऑप्शन आंसर है। तो स्टेप समझ में आया, एंड में क्या किया, एक्सेलेरेशन को ये निकाला इसमें, इसको वी स्क्वायर पुट कर दिया, और इसको वी वी स्क्वायर इंटू वी वी क्यूब हो गया, आंसर मार्क कर लो। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे क्या लॉजिक लगेगा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, जगलर मेंटेन्स, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जगलर मेंटेन्स फोर बॉल्स, चार गेंदों को ऊपर फेंकता है, एक गेंद एक बॉल 20 मीटर हाइट पे जाती है, और फिर हाइट 20 मीटर नीचे हाथ में आ जाती है, उसको चार बॉलों को घेरना है, तो टाइम इंटरवल उन चार बॉल्स में क्या हो,
ताकि रेगुलरली बॉल आती जाए और जाती जाए, आती जाए और जाती जाए, टाइम इंटरवल सब में सेम रहे। तो एक बॉल को वो यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकता, लेट अस सपोज बॉल 20 मीटर ऊपर जाती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gs में g की वैल्यू -10, यहां से सॉल्व करके u आ जाता है। तो उसने बॉल को कितनी वेलोसिटी से फेंका, 20, तो 20 की वेलोसिटी से उसने बॉल को ऊपर फेंक दिया, कोई डाउट इसमें? अब ये बॉल कितने समय में ऊपर पहुंचती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो यू कैन अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह 20, 20t हाफ माइनस 10 इंटू t का स्क्वायर, टाइम 2 सेकंड आ गया। तो एक बॉल 2 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है। अब एक रूल है, आपकी बॉल अगर 2 सेकंड लेती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में, तो आने में भी 2 सेकंड लेगी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो 2 सेकंड जाना तो 2 सेकंड आना बाय डिफॉल्ट है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 सेकंड का ही आंसर आएगा। तो बॉल अगर जाने में 2 सेकंड ले रही है तो आने में भी 2 सेकंड लेगी। तो एक बॉल जाने आने में कुल मिला के कितना टाइम ले रही है, 4 सेकंड, 2 सेकंड जाना 2 सेकंड आना, कुल मिला के कितनी बॉल्स हैं, 4। तो आप 4 बॉल्स को फेंकना चाहते हो, एक बॉल 4 सेकंड में हाथ पे वापस आती है, डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 बॉल्स हैं, हर बॉल में टाइम इंटरवल कितना रहेगा, इसका मतलब एक एक सेकंड। आप एक एक सेकंड पे फेंके, एक सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, जैसे 4 सेकंड होंगे पहली बॉल हाथ में आ जाएगी, रेगुलर इंटरवल हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक, एक एक सेकंड का टाइम इंटरवल कैसे आया, ठीक। व्हेन स्पीड ऑफ कार इज v, कितनों का हो गया ये, व्हेन स्पीड ऑफ कार इज v, तो मिनिमम डिस्टेंस जब वो कार स्टॉप होती है डिस्टेंस s है, तो s डिस्टेंस पे कार रुक जाती है। अगर स्पीड ऑफ द कार n into v है तो वो कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगी, तो स्पीड ऑफ द कार अगर v है तो s डिस्टेंस पे रुकेगी, n v है तो वो कितने डिस्टेंस पे रुकेगी, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, तो 0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज 2as, ऐसे ही इसमें 0 स्क्वायर माइनस nv स्क्वायर इज 2 into a into s डैश। तो दूसरी क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन क्लियर है, पहले केस में s डिस्टेंस पे रुकती है गिवन है, रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, दूसरे केस में s डैश पे रुकती है तो फाइनल डिस्टेंस यहां पर 0 है, राइट, क्लियर है यहां तक? तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, आपको s डैश निकालना है। दोनों में अप्लाई किया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, इसमें अप्लाई किया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 2 को 1 से, डिवाइड करने से ये फायदा है, माइनस से माइनस कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड किया तो आपके पास अपने आप s डैश आएगा इन टर्म्स ऑफ s, n स्क्वायर बच जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है मंदीप, ठीक है? तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम आए कि कोई चीज रुक रही है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as से अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ना बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, क्योंकि आपको x इन टर्म्स ऑफ t गिवन है और आपको क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन, तो दो बार x को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस टी स्क्वायर में दोनों तरफ डी बाई डी टी, डी बाई डी टी लगा दो, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2x डी एक्स बाई डी टी, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या है, 0, और इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2t, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, v। तो सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। तो आपने इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके v निकाल लिया, कोई डाउट इसमें, ठीक हो गया था? नेक्स्ट है, अब आपको क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। अब आप वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, जब आप डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी करोगे तो एक्स यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा, टी एंड एक्स दोनों वेरिएबल हैं, तो एक बार डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या ये पॉइंट क्लियर है? यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा दिया, क्या हुआ यू अपॉन वी का फॉर्मूला, तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू अपॉन वी, तो वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू, सेम चीज है, डी टी बाई डी टी क्या है, 1, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी, तो
यहां पर क्या बच गया, v बच गया, तो तुम इस v की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दो t बाय एक्स, तो v की जगह पुट करेंगे यहां पर t बाय एक्स, तो ये क्या बन गया t स्क्वायर बाय एक्स। अब ब्रेक कर लो, x बाय एक्स स्क्वायर इज 1 बाय एक्स, टी स्क्वायर बाय एक्स बाय एक्स स्क्वायर इज टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, आंसर मार्क कर लो दिस इज आंसर। थोड़ा सा कैलकुलस पे होल्ड सही होना चाहिए तो क्वेश्चन फटाफट फटाफट निकलेंगे, जहां वहां गड़बड़ आ रही है रुक के चल रहा है तो यहां पे गड़बड़ आएगी। समझ में आ रहा है यहां तक, कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में आपने देख लिया कैलकुलस कैसे रोल प्ले कर रहा है अपना। कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे ये देखो, देखने में लगता है कि पता नहीं कितना ही खतरनाक क्वेश्चन आया हुआ है, कितने का हो गया। देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें, खाली डिफरेंशिएशन का खेल है। ये एक्स आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे, इसको उठा के डिफरेंशिएट कर दें, इस पूरे को डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी टी करें, तो क्या आएगी, वेलोसिटी। अब डिफरेंशिएशन के अंदर किया था के बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है ना। तो के अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो। इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में कराया था, ठीक। तो जो अभी मिनिमम डिफरेंशिएशन करके आया उन्होंने नहीं किया, जो छोड़ी है एक डिफरेंस, उसके अंदर वीडियो के अंदर आखिरी फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस बी टी का फॉर्मूला, ई की पावर माइनस बी टी ही होता है, मतलब कमाल का फॉर्मूला है, ई की पावर माइनस बी टी, ई की पावर माइनस बी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस बी टी करना होता है, ये पावर को अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो ई की पावर माइनस बी टी, ई की पावर माइनस बी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस बी टी। तो यहां पर माइनस बी कॉमन आ गया, डी टी बाई डी टी क्या देगा, वन। माइनस माइनस प्लस हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू आ गई। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? पर हमने क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। एक बार और क्या करें, डिफरेंशिएट। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, के बाई बी बाहर आ गया, ई की पावर माइनस बी टी की डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस बी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस बी टी, फिर से एक बार पावर की डिफरेंशिएशन, माइनस बी बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी वन, बी से बी कैंसिल, आंसर मार्क कर लेना, आंसर आ गया। ठीक, मेडिकल के लोगों को ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, उनको एक्सपोनेंशियल और लॉग आते नहीं है, कम आते हैं। एनसीईआरटी में जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर भी एक्सपोनेंशियल लॉग कम आते हैं, सिर्फ मेंस के लिए है ये, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं, मतलब कि कॉम्पिटिशन के लिए है, मेंस के लिए, नॉन मेडिकल के लिए है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ये क्वेश्चन ना साउंड वाला क्वेश्चन, स्प्लैश वाला क्वेश्चन सेम ने किया हुआ था वैसे। पत्थर गिरा एक कुएं में, एच डिस्टेंस है, पत्थर पानी को लगा, पानी से टकराया, फिर आवाज़ आई, साउंड आई, फिर साउंड मेरे कानों में आई। वो पूछ रहे टोटल समय कितना लगा पत्थर के जाने का, साउंड के आने का, क्वेश्चन है। तो देखो, बॉल को ड्रॉप किया, एच बिलो दी टॉप, स्पीड ऑफ द साउंड सी है, जब स्प्लैश सुनाई दिया तो कितने समय में सुनाई दिया। पहले पत्थर को गिरे, पत्थर का टाइम निकालते हैं, पत्थर को ड्रॉप किया तो पत्थर के लिए या बॉल के लिए एच इज जीरो प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर टाइम आ गया। इतने टाइम में स्टोन पानी को टच करेगा, फिर साउंड आएगी, साउंड ऊपर आएगी, साउंड की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो साउंड के लिए इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू बी टी। साउंड ने भी कितना डिस्टेंस कवर करना है, एच। साउंड की स्पीड क्या है, सी, और टाइम कितना है साउंड का आने का, टी टू। टी टू भी आ गया, तो टोटल टाइम कितना लगा, टी वन प्लस टी टू, दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर आ गया। पर प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ऐसा ये दिख नहीं रहा, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऑप्शन में एच कॉमन लेके आंसर आया हुआ है। तो फिर ऐसा कर लो, इस इक्वेशन में से एच को कॉमन निकाल लो, तो ये वन हो गया, इसमें से एच कॉमन आएगा है ना, अगर इसमें से एच कॉमन आएगा तो बड़ा मुश्किल है, रूट एच एच से डिवाइड करना पड़ेगा। कई बार ये स्टूडेंट कॉमन निकाल नहीं पाता, कोई बात नहीं, ना निकालें, ऑप्शन देख ले, एच को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, उल्टा कर लो, ये लो जैसे ये ऑप्शन है ना, एच को इसके अंदर अंडर रूट के अंदर लेके जाओ तो एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर एच कैंसिल, तो ये आ जाएगा,
फिर एच से एच मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा, तो वैसे कर लो। अगर कॉमन नहीं निकाल सकते, ऑप्शन में एच को वापस मल्टीप्लाई करके मैच करके देख लो आंसर, आपकी मर्जी है। वो तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 तो टेस्ट का क्वेश्चन था, टेस्ट में भी डाला था एक, क्या हो गया था? कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन है ए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन एन नथ सेकेंड टू डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड, एन नथ में तो लगा दो 0 प्लस ए बाई 2 इंटू 2 एन माइनस 1, और एन में लगा दो 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर ए एन स्क्वायर, आंसर रेशियो आ गई। तो ये ए बाई 2 से ए बाई 2 कैंसिल, तो ये रेशियो आ गई। एन स्क्वायर को इससे और इससे डिवाइड करो तो ये 2 बाई एन आ गया, ये 1 बाई एन स्क्वायर आ गया, आंसर। दुख तो नहीं हो रहा, ऐसे किया था? ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को, कोई डाउट इसमें? ठीक है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या गिवन है। वैसे ये शीट एक लेवल काफी ऊपर है, मैं आपको बता दूं, ये शीट नॉर्मल शीट नहीं है। कहीं सोचे हैं कि मैं स्कूल के लिए पढ़ के जाऊंगा, नहीं, ये स्कूल लेवल शीट नहीं है, ये मतलब टॉप शीट, आखिरी शीट है ना, तो वैसे भी आखिरी शीट का लेवल सबसे ऊपर ही रहता है हमेशा। तो ये एंड हो रहा है तो एंड में लेवल ऊपर उठ के एंड होता है, बट इट्स ओके, आप सुनते जाओ करते जाओ, कुछ तो दिमाग में जाएगा ही आपके। तो इसमें वेलोसिटी वी एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑफ द बॉडी आर रिलेटेड एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर। तो कह रहे हैं वेलोसिटी वी और डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह उसने आर ले लिया, तो आर ले लो कोई बात नहीं, तो वी स्क्वायर के आर है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, कह रहे हैं एक सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। कितना अच्छा होता अगर वी स्क्वायर के टी होता, मैं टाइम को 1 पुट कर देता, मेरा आंसर आ जाता, पर उतना अच्छा नहीं है, उसे आर दे दिया। फिर कह रहे डिस्प्लेसमेंट आर 0 है जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो कह रहे डिस्प्लेसमेंट 0 है। यार जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट आर 0 है, जब आर 0 है तो वी भी 0 है, तो यार कि वी भी 0 रहेगा। टी टाइम पे आपको वेलोसिटी बतानी है। अगर मुझे ये बता दिया जाए कि इसके अंदर एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है क्वेश्चन में, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाऊंगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम को 1 पुट कर लूंगा, एक्सेलेरेशन जो आप दोगे पुट करके आंसर निकाल दूंगा। तो मतलब मुझे एक्सेलेरेशन तो निकालनी ही पड़ेगी, और एक्सेलेरेशन के लिए जो भी वेलोसिटी की इक्वेशन है उसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी टी डी बाई डी टी। तो जब मैंने इसको डी बाई डी टी किया तो वी स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या है, 2v dv/dt। यहां पर k कॉन्स्टेंट है, dr/dt क्या है, वेलोसिटी v, dv/dt क्या है, एक्सेलेरेशन है, v से v कैंसल, a की वैल्यू आ गई k/2, तो एक्सेलेरेशन इज कॉन्स्टेंट, पता लग गया सही। तो एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है और x की जगह वो r यूज कर रहा है सिंबल, dx/dt की जगह ds/dt की जगह dr/dt, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। तो अब मुझे पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी बॉडी की जब चली थी, एक्सेलेरेशन कितनी है k/2, टाइम 1 है, आंसर मार्क कर लो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है ये तो क्या ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 एक नए तरीके का प्रॉब्लम है, करेक्शन कर लो, टेन माइनस 1 नहीं है, टेन 20 2.237 ये रहा। तो इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड ए बी, तो ना दो पार्टिकल एक रॉड के साथ कनेक्टेड है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि रॉड स्लाइड करती जा रही है कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ ए टू द लेफ्ट इज 10, लेफ्ट की जगह राइट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, पर चलो डायग्राम से मैच कर जाएगा। ए की वेलोसिटी राइट की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड है, आपको बी की वेलोसिटी निकालनी है क्या होगी। तो ए की वेलोसिटी 10 है, आपको बी की वेलोसिटी निकालनी है, इसमें क्या होगी, कोई डाउट इसमें? उसने कहा ये डायग्राम है, एक लैडर या रॉड गिरती जा रही है, फिसल रही है, ए इधर फिसल रहा है, बी नीचे आ रहा है। तो इस डायग्राम में अभी जब एंगल ये थीटा है, एंगल थीटा 20 डिग्री है, ये फोटो दिखा दी,
जब एंगल 20 डिग्री है तो वो ये कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी है वो 10 है, तो बताओ उस टाइम ये वेलोसिटी बी की क्या होगी, ये क्वेश्चन है। पहली बात तो ये क्वेश्चन मिसफिट है इसमें, क्योंकि मोशन इन 2D है, एक्स भी चल रहा है और वाई भी चल रहा है, जबकि ये चैप्टर का नाम मोशन इन 1D है। और आ गया तो आ गया, तो ये लैडर वाली प्रॉब्लम या रॉड वाली इकलौती एक ही प्रॉब्लम है, दूसरी बनी नहीं ऐसी, एक ही है। क्या करना है आपने, जब भी ये रॉड नीचे गिरेगी किसी भी इंस्टेंट पर, ए पार्टिकल का डिस्टेंस एक्स है तो बी पार्टिकल का वाई है, लेंथ एल है, पाइथागोरस लगा लो, एल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ट्रू है। पाइथागोरस लगा के इसको दोनों तरफ डी बाई डी टी डी बाई डी टी कर दो, लेंथ तो कॉन्स्टेंट रहेगी तो इसके डिफ्रेंसिएशन इज जीरो, इसके डिफ्रेंसिएशन में 2x dx by dt, इसके डिफ्रेंसिएशन में 2y dy by dt, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें, 2 से 2 क्या आ गया कैंसल, ये वाली टर्म लेफ्ट पे आ गई, ये वाली टर्म राइट पे आ गई। अब ये बताओ a की डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, a की इस टाइम वेलोसिटी कितनी है 10, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dx by dt कितना है 10, और आपको क्या निकालना है dy by dt, क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट की डिफ्रेंसिएशन b पार्टिकल की वेलोसिटी है, क्लियर है यहाँ तक, तो b पार्टिकल की निकालनी है, dy by dt निकालना है, dx by dt की बना है। तो इसके अंदर चेक करो, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इस इक्वेशन में माइनस एक्स इंटू ये वेलोसिटी 10 है, y इंटू ये वेलोसिटी vb है, dy by dt क्या है vb है, क्लियर है यहां तक, तो v ऑफ b की वैल्यू क्या आएगी, vb की वैल्यू आएगी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस एक्स बाई वाई इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे को b पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, ये स्टेप क्लियर है। अब ये देखो x अपॉन y क्या है, x अपॉन y इसमें कॉट थीटा है, तो ये देखो x अपॉन y की जगह कॉट 20 20 डिग्री गिवन है थीटा, कॉट 20 1 बाई टेन है, 10 20 पे क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करके वी वाई आके, तो डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले लगाओ पाइथागोरस, फिर करो डी बाई डी टी, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके वी एक्स और वी वाई आ जाएगा, ए और बी की वेलोसिटी आ जाएगी, ए की वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, बी की वेलोसिटी निकाल आंसर। तो ये एक स्टाइल है जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कोई डाउट इसमें, ठीक है था, तो आइडिया समझ में आ रहा है, हालांकि ये शीट का लेवल थोड़ा ज्यादा मैंने बताया है, बट इट्स ओके। ट्वेल्थ क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक बिना पेन को हाथ लगाए, जो ये कहता है कि भाई एक स्ट्रीम बोट है, बोट में बैठे, बोट जाती है और कम्स बैक ऑन अ क्वाइट डे, जाती है और आती है, शांत दिन है, पानी चल नहीं रहा, बस खड़े पानी में जाती आती है, टाइम टेकन T1 है। फिर सेकेंड केस है रफ डे, पानी नदी बह रही है, बहती नदी में तो फायदा होएगा जाते हुए, पर ऊपर आते हुए बहुत दम लगाना पड़ेगा बोट को वापस आते हुए, और टाइम टेकन T2 आने जाने का, तो बोलो T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है, रफ डे में चलानी मुश्किल है, क्वाइट डे में तो गए और आए, तो बंदा कहता है इसमें सॉल्व क्या करना, पता ही है यार T2 ग्रेटर देन T1, तो आंसर इज मोर। दूसरे केस में रफ डे पे आंसर मोर आएगा, ज्यादा समय लगेगा क्वाइट डे से, क्लियर है यहाँ तक। पर कुछ जिज्ञासु स्टूडेंट होते हैं कैसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, कैसे ऐसे कैसे बोल दिया, तो फिर उनके लिए देखो एक बोट चलाते हैं, एक्स डिस्टेंस है, बोट गई और वापस आई विद द वेलोसिटी ऑफ वी, एक्स बाई वी 2x बाई वी, शांत दिन है, दूसरे दिन पानी चल रहा है नीचे की तरफ, तो जाने का टाइम एक्स अपॉन वी प्लस डब्ल्यू, जाते हुए फायदा दे गया वाटर, डब्ल्यू फॉर वेलोसिटी ऑफ वाटर, और वापसी में हमें नुकसान कर गया वी माइनस डब्ल्यू, जाते हुए वेलोसिटी वी प्लस डब्ल्यू, बोट की वेलोसिटी में फायदा हो जाएगा ना, पानी की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी वी प्लस डब्ल्यू, आते हुए वी माइनस डब्ल्यू, ये रहा एलसीएम लिया, ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, T2 को T1 से डिवाइड कर लो, जब T2 को T1 से डिवाइड करेंगे सब कट जाएगा, ये बच जाएगा, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 है, तो T2 ग्रेटर देन T1 है, पर आपको तो वैसे ही आता है कि आंसर मोर आएगा, तो आप सॉल्व तो ना करोगे, ये तो बता रहा हूं कि देखो ऐसे फिजिक्स वाले सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें,
दो बंदे ए एंड बी, तो ये 16 क्वेश्चन तक है, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे. टू पर्सन ए एंड बी स्टैंड एट अ डिस्टेंस एक्स अवे फ्रॉम ईच अदर. एक ए है एक बी है, हवा चल रही है फ्रॉम ए टू बी, विंड ब्लोज फ्रॉम ए टू बी, ये रहा विंड चल रही है. ठीक, ए ड्रम बजाता है और साउंड चलती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी और बी सुनता है, और ऐसा करने में टाइम टेकन टी वन सेकेंड लगता है. तो टी वन की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को फायदा होगा वी प्लस डब्ल्यू. फिर बी ड्रम बजाता है, जब बी ड्रम बजाता है तो काम उल्टा हो जाता है, विंड तो अभी भी ऐसी चल रही है, अब बी के ड्रम बजाने से विंड के अगेंस्ट साउंड जाएगी, तो टाइम टेकन क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाय वी माइनस डब्ल्यू. कोई डाउट इसमें, तो जा ए बजाएगा तो वी प्लस डब्ल्यू, बी बजाएगा तो वी माइनस डब्ल्यू. आपको वी और डब्ल्यू निकालना है क्या है, एक काम करो, इस इक्वेशन से वी प्लस डब्ल्यू एक तरफ, टी वन एक तरफ, इस इक्वेशन में वी माइनस डब्ल्यू एक तरफ, एक्स अपॉन टी टू एक तरफ, दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक रख लो, ऐड कर दो, ऐड करोगे डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसल, टू वी की वैल्यू आएगी, टू वी से वी आ जाएगा आंसर. फिर ऐसी डब्ल्यू निकाल लेना, इनको सब्ट्रैक्ट करके डब्ल्यू भी आ जाएगा, इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है, बेसिक इक्वेशन क्लियर है, बेसिक इक्वेशन कैसे बनी इसमें, कोई डाउट इसमें, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. ये क्वेश्चन रॉकेट वाला आपने किया हुआ है, जब एक मिनट के लिए इंजन ऑन होता है फिर फ्यूल खत्म हो जाता है, सेम क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी किया हुआ है जब एक पीछे एक बंदा भाग के ट्रेन को कैच करना चाहता है तो उसका टाइम निकालना, ये रिपीट है. ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. आपको बताना है रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन टू इनिशियल वेलोसिटी. ये इनिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो को इनिशियल बोलते हैं, ठीक, टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल होता है. तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगी, पहले एक्स गिवन है, वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डीवी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी. अल्फा बाहर आ गया, बीटा बाहर आ गया, गामा बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट की जीरो, इसके डिफरेंशिएशन थ्री टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर वन, वेलोसिटी आ गई. इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम की वैल्यू कितनी, जीरो, जीरो पुट करके तो आंसर क्या आया, सिर्फ गामा, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई. कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक. अब ये वेलोसिटी आई थी, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन. इसको डिफरेंशिएट किया, थ्री अल्फा बाहर, टी स्क्वायर की टू टी, टू बीटा बाहर, ये वन और ये जीरो, तो एक्सेलरेशन आ गई. इसके अंदर इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो टू बीटा आ गया. तो वो रेशियो पूछ रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की, जो किस पे डिपेंडेंट है, बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा पे डिपेंडेंट है, ये बताना है. ठीक, यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का, ये क्वेश्चन है आपकी हैंड रिटन के अंदर भी गिवन है, लास्ट द मोशन का लास्ट क्वेश्चन कह सकते हो. पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम सेम पॉइंट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. एक पार्टिकल मूव करता है किसी पॉइंट से, फर्स्ट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी. तो एक पार्टिकल मूव करता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी, वे डिसाइड करता है कि जब तक मैं चलूंगा मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, शुरू में भी एंड में भी हर वक्त मेरी वेलोसिटी वी रहेगी. और दूसरा स्टार्ट करता है एक्सेलरेशन के साथ, रेस्ट से स्टार्ट करता है. अब सिचुएशन कैसी होगी, मान लो एक पार्टिकल स्टार्ट करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, मान लो वी मन में सोचो 10 है, तो पहली गाड़ी 10 10 10 10 10 से मूव करती जा रही है और दूसरी 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ती जा रही है वेलोसिटी. जब तक इसकी वेलोसिटी 10 नहीं होती तब तक इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये तो वेलोसिटी फास्ट है, 10 है, वन है, इसकी वेलोसिटी तो गैप बढ़ जाएगा, टू में भी बढ़ेगा, थ्री में भी, कब रुकेगा, जब इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी, उसके बाद गैप कम होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती ओवरटेकिंग होगी. पर जब तक इसकी वेलोसिटी भी 10 नहीं हो जाती तब तक गैप क्या रहेगा, मैक्सिमम.
आपको बताना है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, आपको क्वेश्चन में बताना है कि वो मैक्सिमम दूरी कितनी है। अब मैक्सिमम दूरी कब आएगी, कब, समय क्या होगा उसका, जब जो पीछे कार चली जीरो से उसकी वेलोसिटी जब तक क्या नहीं हो जाती वी वी, तब तक वो एक्सेलरेट करती जाएगी, है ना, तब तक गैप बढ़ता जाएगा। तो एक काम करो, पहले टाइम निकाल लेते हैं, मान लो वो टाइम है टी डैश, तो सेकेंड कार की वेलोसिटी वी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी इतने टाइम पे, तो फिर सेकेंड कार ने उस टाइम डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, जीरो प्लस हाफ ए टी डैश स्क्वायर में इस टी डैश को पुट करके ये आंसर आ गया। तो कार का डिस्टेंस भी आ गया इस टाइम पे, और पहली कार जो भाग रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से भाग रही है, अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, टाइम की जगह यही टाइम पुट कर दो वी बाय ए, उस टाइम पे पहली कार ने ये दूरी कवर की, तो दोनों में डिस्टेंस कितना हुआ, पहली कार का डिस्टेंस माइनस दूसरी कार का डिस्टेंस, दिस इज द आंसर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा उनके बीच में।